आप क्या को लाना होगा दिल्ली में? योगी को लाना होगा दिल्ली में। आप क्या कहेंगे, किस लिए प्रोटेस्ट? हम चाहते हैं योगी आना चाहिए, योगी करेगा हमारा सब कुछ। अब योगी आना चाहिए दिल्ली में, और हमें कोई नहीं चाहिए, नहीं केजरीवाल, कोई नहीं चाहिए हमें। अब हम जो चाहते है दिल्ली में योगी आए बस। केजरीवाल चोर है, एक नंबर का, अपने घर में भरना भर रहा है। कुछ और ही सही बताऊं, उस पे एक्शन लियो। हम क्या पब्लिक है, हम तो भूखे मर रहे हैं। उन्होंने राशन भी योगी उसका राशन भी बंद करवा दिया, छोड़ रहे हैं ना राशन ना पानी मिल रहा, किराए पर रह रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है 3-3 हजार, 3,500 लौंडिया मरने लाख हो गई, अस्पतालों में देखभाल नहीं है, सड़क पे आ गई, बचाओ बताओ कहाँ से लाए हम पैसे, टका नहीं है कहाँ से लाए, बच्चे इनके काम छूट रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने अपने घर को शीश महल में तब्दील किया है, उसको लेकर बीजेपी आज प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली बीजेपी की ओर से। आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और जिसमें तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली की जनता है, वो कहीं ना कहीं एकजुट हैं, और इस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बीजेपी का हल्ला बोल फिलहाल चल रहा है। तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी है, तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हल्ला बोल जो बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, इसकी वजह क्या है। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब दिल्ली की जनता एक एक सांस के लिए दर बदर भटक रही थी, अपनी मौत के लिए, अपनी मौत से और जिंदगी से लड़ रही थी, तब केजरीवाल जी अपने घर का रेनोवेशन करा रहे थे। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए, जो अपने जब बड़े बड़े वादे लेके आया था हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आज उसे सब कुछ चाहिए, तो हमें भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो अपने घर का अपने भरना भरता हो। 45 करोड़ का अपना घर सजवा रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, ना राशन ना पेंशन ना दिल्ली में पानी की व्यवस्था ना दवाई गोली की व्यवस्था, क्या व्यवस्था है? ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमें, योगी राज चाहिए। तो क्या आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं केजरीवाल की? केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा और उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आप क्या को लाना होगा दिल्ली में? योगी को लाना होगा दिल्ली में, क्यों केजरीवाल ने आपको सुविधाएं नहीं दी? नहीं, नहीं दी किसी भी सुविधा। जब केजरीवाल चोर है तो हम पब्लिक भी चोर है, सुना रहे पैसा ले लेके भाग रहे हैं। हमारा एक नहीं पे नंद नगरी में श्यामा ज्वेलर, वो घर बेच के रातों रात भाग गया। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। जब केजरीवाल चोर है तो हम पब्लिक भी चोर बननी है उसके जैसी, सब ले लेके भाग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस लिए प्रोटेस्ट? हम चाहते हैं योगी आना चाहिए, योगी करेगा हमारा सब कुछ। अब योगी आना चाहिए दिल्ली में, और हमें कोई नहीं चाहिए, नहीं केजरीवाल, कोई नहीं चाहिए हमें। केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं, केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने किया है। कुछ नहीं किया, सबकी पेंसिल बंद करवा दी, सबकी वो राशन बंद करवा दिया, कुछ नहीं किया, सब अपना घर भरा उन्होंने, बड़े बड़े वो लगाए, बड़े बड़े मकान बनाए, लैटरिंग बनाई, अपने लिए करा, हमारे लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। जो घर को लेकर खुलासा हुआ है, 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, क्या कहेंगे उस पे? एक्शन लियो। हम क्या पब्लिक है, हम तो भूखे मर रहे हैं। उन्होंने राशन भी योगी उसका राशन भी बंद करवा दिया, छूट रहे हैं ना राशन ना पानी मिल रहा, किराए पर रह रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है 3-3 हजार, 3,500 लौंडिया मरने लाख हो गई, अस्पतालों में देखभाल नहीं है, सड़क पे आ गई, बचाओ बताओ कहाँ से लाए हम पैसे, टका नहीं है कहाँ से लाए, बच्चे इनके काम छूट रहे हैं। क्या चाहते हैं? अब हम जो चाहते हैं कि दिल्ली में योगी आए बस। केजरीवाल चोर है, एक नंबर का, अपने घर में भरना भर रहा है। कुछ और ही सही बताऊं, ना राशन कार्ड बन रहे, वो तो कहते हैं कि हम राशन भी देते हैं हम महिलाओं को, पर मतलब मिलना नहीं है ना, राशन बंद है ना। केजरीवाल कहते हैं बच्चों को मुफ्त पढ़ाई करवा रहे, कुछ नहीं कर रहा, सब प्राइवेट हो रहा है, सब कुछ मुफ्त पढ़ाई। 8 साल और 8 साल तो कैंसिल बंद है, राशन कार्ड कैंसिल कर रखा है, राशन कार्ड भी नहीं है, और 1100 का सिलेंडर, 10 सिलेंडर आ रहा है, बताओ कहाँ से करेंगे, 15,000 कहाँ से भरे, बताओ काम धंधा है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा है, कि वहाँ पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ राशन नहीं मिल रहा है, अपने घर में केजरीवाल 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन करा रहे हैं, साज सज्जा उसकी चल रही है, और इस तरीके से तमाम चीजें ऑटोमेटिक जो है वो अपने घर में लगाई हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता को ना टॉयलेट मिल रहा है, ना वहाँ पानी मिल रहा है, ना फ्री की बिजली मिल रही है। तो तमाम लोग हैं यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है?
वजह यह है, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का 45 करोड़ रुपए अपने राजमहल में केजरीवाल साहब ने लगाया है, उसके विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हुए हैं। संजय सिंह कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बड़े बड़े जहाज में घूमते हैं, उनके कपड़े गिनाते हैं, चश्मा गिनाते हैं, तमाम चीजें गिनाते हैं, क्या संजय सिंह तो टिकट ब्लैक करके यहाँ तक आया है, उसको क्या पता कि प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है। एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में तुलना करना उनकी बेवकूफी को, उनकी डिग्री को, उनकी मान्यता, उनकी शिक्षा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ रुपए का जो राजमहल बनाया है वो दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसके विरोध में हम यहाँ पे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आए हैं। सर क्या कहेंगे आप प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, केजरीवाल को लेकर क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं कि केजरीवाल को अब इस्तीफा देना चाहिए। जब कोरोना का इतना भारी संकट था उस टाइम भी वो अपने घर के रेनोवेशन में पैसे खर्च कर रहे थे, तो उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। संजय सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी बड़े बड़े जहाज में घूमते हैं, विदेश में यात्राएं करते हैं और इतना करोड़ों रुपया जो है वो सेंट्रल विस्टा में लगाते हैं, वहाँ 500 करोड़ का अपना घर बनाते हैं। संजय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं। वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की तुलना कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कहता था कि ना मैं घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कोठी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं तो बड़े 2-3 कमरे को घर में रहूंगा। आज उसने एकड़ में अपना घर बना रखा है, 50 करोड़ रुपये अपने घर में लगाए हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए सही मायने में। तो आप आई है तो क्या मांग है आपकी? देखिए हमारी मांगे तो उनसे कुछ को देने लायक है नहीं, ठीक है ना। हमें ये है कि वो जो आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग उनके घर को खुलवाइए और वहाँ की रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो झूठ बोलते हैं। आज तक उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, 3 दिन से एक्सपोज चल रहा है उनका, तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि उन्होंने वास्तव में 45 करोड़ का रिनोवेशन लगाया। अभी तो ये 45 करोड़ है, अगर जब जांच बैठेगी तो ये कितने करोड़ तक जाएगा इसका नहीं पता। हम लोग शुरू में चिल्ला रहे थे, धरने दे रहे थे कि वो पहले तो स्विमिंग पूल की बात थी, अब तो पूरा की पूरा उन्होंने घोटाला पूरा अपने महल में बना के बैठे हुए हैं। हाँ, गीजर और बाकी जो कमोड है, बाकी तमाम चीज़ों का जो खुलासा हुआ है वो ऑटोमेटिक है, वियतनाम से मार्बल मंगाया गया है, तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। देखिए कोई पानी जो टपक रहा था ना, जैसे संजय सिंह कह रहे थे, जैसे कि वो चड्डा जी कह रहे थे कि पानी टपक रहा था, पानी टपकने से कोई वियतनाम के मार्बल से नहीं टिकेगा, वो कौन से आर्किटेक्ट उन्होंने करवाए ये सारे पब्लिक को बताना चाहिए। वो इतने झूठे, जब पूरा दिल्ली पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था उस समय वो अपने घर का रेनोवेशन की समीक्षा करके उसका प्लान बना रहे थे, वियतनाम से पत्थर मंगा रहे थे। आज की डेट में एक एक महिला को, किसी को राशन कार्ड नहीं बना, इतने दिन से एक भी महिला बिचारी जिसके घर में 5 बच्चे हैं उनको राशन तक नहीं मिल पा रहा है, वो बैठ के करोड़ों के अपने रेनोवेशन में खर्च कर रहे हैं। और संजय सिंह की बात करिए, वो कह रहे जी टूटा हुआ था घर, तोड़वा के बनवाया इसलिए 45 करोड़ लगा, वो अपने ही वाक्य में खुद फंस जाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट ने उनको अथॉरिटी नहीं, उनको पास ही नहीं किया कि उनको स्टे था कि वो उसको कोई रिनोवेशन कोई तोड़ के नहीं कर सकते, फिर भी वो इस तरह का कह रहे हैं। तो इसके मतलब, क्योंकि वो लोग मुंह छुपा रहे हैं, एक भी आपके किसी भी बड़े बड़े चैनल्स में वो लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं चीजें, क्यों? क्योंकि वो लेके बैठ जाते हैं मोदी, कभी बोलते हैं अडानी। अडानी जी तो खुद के पैसे की कमाई है, आपने तो सरकारी पैसा लगाया है। और दूसरी बात रहा कि आप तो इस चीज को कह के आए थे केजरीवाल जी कि हम तो 4 कमरे के मकान में रहेंगे, क्या जरूरत है? शीला दीक्षित से बोला था उन्होंने कि क्या जरूरत है इतने बड़े मकान में, क्या जरूरत है 10 AC की, क्या जरूरत है 50 एयर प्यूरिफायर की? आज कहाँ है 300 पेज के पन्ने लेके घूमते थे, आज वो सड़क पे आके हम लोगों को जनता को जवाब देना है, क्योंकि वो तो राय शुमारी कराने वाले लोग थे ना, आज उनका कहाँ गई राय शुमारी? आज पब्लिक के बीच में आए, जनता को जवाब दे, ओपन मंच में आए, बताए। और अगर उनमें इंसानियत और अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत है और जरा सा भी उनमें कोई धर्म ईमान की बात है तो आज की डेट में उस बंगले को खाली करके 4 कमरे के फ्लैट में जाके शिफ्ट हो जाए, ये मांग है हमारी। आपकी ये मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बंगला है उसके अंदर एंट्री क्यों नहीं मिल रही है, मीडिया को एंट्री क्यों नहीं? वो मीडिया इसलिए नहीं मिल रही ना, वो हमेशा बोलते थे क्योंकि सच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये होगा। हम लोगों की मांग रहेगी हमारे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि CBI जांच हो, पूरा उनके सारा की सारा काम हो, क्योंकि जनता जवाब मांगना चाहती, जनता को ठगा है, सरकारी पैसा है जी, सरकारी पैसा, आप ऐसे नहीं उड़ा सकते, ठीक है ना। तो हम सब लोग इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब तक उनको लेट डाउन नहीं कर तब तक इसी तरह का धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। संजय सिंह गिना रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो इतने करोड़ का कुर्ता पहनते हैं, इतने लाख का चश्मा लगाते हैं, इतने लाख की पैन रखते हैं, तमाम चीजें वो गिना। आप देखिए सुनिए, लोगों को दिख रहा है ना, तुम रेनॉल्ड का 5 रुपए का पैन रखते हो, फ्लोटर पहनते हो, एक्सरसाइज की शर्ट पहनते हो, दिखाते हो हम कितने साधारण है। मैं कहती हूँ कोई कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी कुछ कर रहा हो, मगर मैं उनके स्टेटमेंट जिन्होंने एफिडेविट देके आए थे कि हम बिल्कुल इस तरह के हैं कि हमें 4 कमरे से ज्यादा का नहीं चाहिए, ठीक है ना।
बात उसकी है। और प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई चीज अपने आप नहीं खरीदी। प्रधानमंत्री जी को जो लोगों ने गिफ्ट किया उनका आप उठा के देख लीजिए ना, देखिए सांच को आँच नहीं। हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि आप उनकी जांच करवाइए अगर आप में दम है तो, मगर आप तो परिवर्तन के लिए आए थे ना, परिवर्तन कहाँ गया? परिवर्तन होना चाहिए था ना, दिल्ली की जनता ने आपको परिवर्तन के लिए 2014 में चुना था। तो इस तरह की बात कहना उनका व्यर्थ है। इस तरह से झूठी राजनीति ना करें। महा झूठा महा मक्कार केजरीवाल, इतना तो कोई ढोंगी भी नहीं आया होगा। जो जो नाटक प्ले करते रहे इतना कोई होगा भी नहीं उनके बराबर।